और ये लालची ये तो देखो पिज्जे के आसपास में ही भटक रही है। तो भाई अभी हम लोग आए रूम का चेकआउट करने के लिए काउंटर पे, पहले यहाँ पे चेकआउट करेंगे उसके बाद में जाऊंगी कार के पास। तो मेरे साथ में कैफ, ये गाड़ी सोलापुर तक के जाएगी क्योंकि चाची लोग का है ना ट्रेन से टिकट है और साहिल भी है साथ में, और हम लोगों की गाड़ी जो है वो भिवंडी तक जाएगी। भाई पूरा सामान भाई गाड़ी में रख दिए, ये देखो पूरा लोड हो चुका है। तो भाई अभी मैं आया हूँ सफ़ी के घर पे। तो सफ़ी के घर पे मैं है ना एक बिल्ली लेने के लिए आया हूँ। पिछले टाइम आया था ना तो एक बिल्ली लेके गया था, तो मैं अभी भी एक बिल्ली यहाँ से लेके जाऊँगा। ये देखो सफ़ी का लड़का है शायद ये, तो सफ़ी का भी आ रहा है, तो जैसे ही आएगा तो बिल्ली लेंगे हम लोग, फिर बिल्ली लेके निकलेंगे। बिल्ली लेके जा रहे हैं हम लोग वापस। हाँ चलेगा ना? हाँ शायद मना कर रहा है भाई, बोले मत लेके जाओ बिल्ली। नहीं हम लोग लेके जा रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं एक साथ। कितनी बिल्ली है तुम लोग के पास? चार है, तो चारों लेके जा रहा हूँ मैं। तो एक बड़ी वाली बास्केट लेके आया हूँ, बड़ी वाली, अब उसी में डाल के लेके जाऊंगा। पहले बड़ा तो हो जा फिर बाद में चलाना। भाई हम लोग ये वाली वाइट वाली ली है आपकी, पिछले टाइम जो लेके गए थे ना वो गोल्डन कलर की थी, तो आपके जो लेके जा रहे वो ये वाइट कलर की है, और वो वाली जो थी वो फीमेल थी और ये मेल है। तो जैद और जैद रो रहा है, बोल रहा है मत लेके जाओ चाचा। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और भाई निकलते निकलते देखो 8 बज गए हम लोगों को यहाँ से। अरे ये हमारा रंगीला देखो यहाँ बैठा है सामने। रंगीला चल रहा है तू बम्बई। भाई अभी हम लोग पहुंचे हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि भाई चाची के पास है ना सामान बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि सामान पूरा चढ़ा के रेलवे में उसके बाद हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। तो ये देखो ट्रेन भी आकर खड़ी है, अभी देखो साहिल है, साहिल भी ट्रेन से जा रहा है, और भाई बहुत से हाजी लोग भी जा रहे हैं ट्रेन से। बस का है ना सफ़र शुरू हो गया है, वो पूरा हार बांधे है भाई यहाँ पे, और लोगों की सीट यहीं पर, एक चाची बैठे और इसराइल है यहाँ पे। जो जो डब्बे में हाजी लोग जा रहे हैं ना भाई, वो डब्बे को है ना हार से सजाया गया है। देखो यहाँ पे है ना गेट को पूरा, पूरे दरवाजे को यहाँ पे सजाया गया है। ये है सोलापुर रेलवे स्टेशन बाहर से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। बहुत सालों के बाद मैं बाहर से रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ ये, क्योंकि अपडेट हो गया ना भाई ये पूरा। ये जो स्टैचू है दिख रहा है यहाँ पे, ये दो तीन स्टैचू दिख रहे हैं यहाँ पे ना। पहले एक ट्रेन का है ना डब्बा, ट्रेन का इंजन था यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत लगता था। अभी इसको हटा के है ना वहाँ आगे कहीं पे कर दिए। भाई अभी हम लोग स्टेशन के बाहर है ना ऑर्डर करके, ये देखो पिज्ज़ा मंगाया सबको खाने के लिए, कितने सारे पिज्ज़ा ऑर्डर किए, और ये लालची ये था देखो पिज्ज़े के आसपास में ही भटक रही है। तो भाई अभी हम लोग है पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पे, ये पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे। तो अभी है ना सुबह के 9 बजने आए, 9 से 10 बज रहे, और अभी तक भाई हम लोग आए ना घर पहुंच नहीं पाए। पता है क्यों? उसकी वजह देखो आपको बताता हूँ। ये देखो ये पूरी गाड़ी हमारी बैठ गई है भाई नीचे। जो कड़े का जो काम करवाए थे ना इंडी में हमारे गाँव में, तो निकल के गिर गए और पूरी गाड़ी नीचे बैठ गई है। कल रात में भाई हम लोग वहाँ से गांव से 8 बजे के टाइम पे निकले, और अभी 9 बज रहे भाई यहीं पे, मतलब 13 घंटा हो गया हम लोग अभी तक भिवंडी नहीं पहुँच पाए। बस सुबह का टाइम है और हम लोग यहाँ पे चाय पीने, और हम बोल रहे हैं नहीं बोले खाना खाना है। खाना कहाँ खाते हैं, नाश्ता करते हैं ना भाई। ये रेस्टोरेंट में फैन देख रहे हो कितना छोटा है, इतना बड़ा फैन कहीं देखे हो इससे पहले? देखो भाई कितना बड़ा फैन है, और मस्त हवा भी दे रहे हो, मस्त हवा चल रही है भाई। यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक आगे, दो फैन है भाई बड़े बड़े। तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर पे, और जब मैं घर पे पहुंचा ना भाई तो 2 बज रहे थे। पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना लेट पहुंचा गांव से, क्योंकि मेरे गांव का रास्ता है ना भाई लगभग 9 से 10 घंटे का, 450 किलोमीटर है, और मैं फर्स्ट टाइम इतना लेट आया हूँ। और क्योंकि रात भर ड्राइविंग करने के बाद में है ना भाई मेरे को इतनी नींद आ रही थी, और हम लोग लेट भी इसलिए हुए
क्योंकि हमारी गाड़ी का भी ऐसा काम हो गया था कि हमारी गाड़ी की स्प्रिंग भी गिर गई थी भाई रास्ते में, तो इसीलिए हम लोग इतना लेट हो गए। और प्लस उसके बाद में फिर मेरे को नींद भी आने लग गई थी भाई रास्ते में, और वो मेरे साथ में एक हादसा भी होते होते बच गया पूना एक्सप्रेस वे हाईवे पे। गाड़ी चलाते चलाते है ना मेरे को नींद आ रही थी, और मेरी गाड़ी है ना राइट साइड में हल्का हल्का दबी, मेरी आँख लग गई थी, और जैसे ही एमजी हेक्टर वाला मेरे बाजू से निकला उसकी आवाज़ की वजह से भाई मैं उठ गया था। तो फिर उसके बाद मैं सोचा भाई इस गाड़ी है ना थोड़ा लेफ्ट साइड में दबा के है ना 10-15 मिनट आराम करते हैं। तो मैं आराम करने के लिए जैसी गाड़ी रोका हूँ और मेरी आँख लग गई है वहाँ पे, तो उतने में एक आरटीओ वाला भाई आके है ना मेरे को उठा दिया। तो अच्छा है कि उसने फाइन नहीं मारा, क्योंकि मेरे साथ में फैमिली थी ना भाई, तो फैमिली को देख के है ना उसने छोड़ दिया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले ना, तो फिर उसके बाद में मेरी आँखें नहीं लगी, तो फिर उसके बाद में हम लोग आ गए डायरेक्ट घर पे। तो अभी रात के है ना 11 बज रहे। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को वीडियो भी एडिटिंग करना है। तो अगर वीडियो पे अगर नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरा ये मेरी गांव की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।